चारों ओर निराशा है, बर्बाद तुम्हें ये कर देगा, नशे की यही परिभाषा है, नशे की यही परिभाषा है। बच्चों, तुम जागरूकता फैलाओ, आसपास को यह समझाओ, शराब या नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार, उजड़ा उसका घर परिवार। शराब की तुम बोतल तोड़ो, जीवन को शिक्षा से जोड़ो, जीवन को शिक्षा से जोड़ो। नशा को देश से भगाना है, भारत को एक नया आवाम बनाना है। भारत की संस्कृति बचाओ, नशा को देश से भगाओ। और यदि हम नशा को भगाना सीख लेते हैं तो हमारा भारत अपने आप सुधर जाएगा। अंकित कुमारी वर्मा, अंकिता कुमारी वर्मा, अंकिता। आज कुछ नशा निषेध पर कुछ नारे लिखे हैं। हमको यही बताना है, पूरा जीवन पछताना है। चारों तरफ है हाहाकार, बंद नशे का हो बाजार। जन जन का है यही संदेश, नशा मुक्त हो मेरा देश। नशा को जो अपनाएगा पूरा जीवन पछताएगा। ज्ञान हमें फैलाना है, नशे को दूर भगाना है। हर दिल की अब यही है चाहत, नशा मुक्त हो हमारा भारत। कैंसर होगा बीमारी बढ़ेगी, चली जाएगी जान। डाली नशे की आदत, उसने दे दी मौत को दावत। आज दुर्गा के बाद अपनी बहन से और मजदूरों के कारोबार से वंचित परिवारों को जीवित उत्पादन निवेश निधि उपलब्ध कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है, जिससे आयोजित कर राजस्थान में उपलब्ध कराई जाती है। आज एक ऐसे समारोह को गया के किलावा गाँव में हो रहा है। आने वाले पति की कार के पेड़ से इंटरव्यू और गया में जो आते हैं वहां अंतिम संस्कार के लिए वहां पर एक कार्यक्रम में आते हैं, वहां से शराब पीने के। कोई राजगीर जाता है, वैशाली जाता है या कोई टूरिस्ट प्लेस पर जाता है वो शराब पीने के। शराब पीने के लोग नहीं आते हैं। जो और जान लीजिए कि 2015 में स्थानीय और विदेशी को मिला करके जो टूरिस्ट आए थे उनकी संख्या थी 2015 में जब शराबबंदी नहीं था 2,89,00,000 लोग, और विदेश से आए थे इसमें से 9,23,000 लोग। और शराबबंदी लागू कर दिया था तो 2016 में जो टूरिस्ट आए हैं 2,95,00,000 लोग, और विदेशी पर्यटक आए 10,10,000 लोग। पर्यटकों की संख्या हुई है बिहार में 3,47,00,000 और विदेशी पर्यटकों की संख्या हुई है 10,88,000।
अब आप जो फिगर था 15 में किया था, 16 में भी जो संख्या हमारी 10,000 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा था, उनका परिवार बर्बाद हो रहा था। तो क्या सरकार बनती है लोकतंत्र में, जनता निर्वाचित करके सरकार बनाती है, तो क्या आपको अपने लोगों की चिंता नहीं करनी है, बिहार के निवासियों की चिंता नहीं करनी है, अपने प्रांत के निवासियों की चिंता नहीं करनी है? अधिकार दुरुपयोग करके पी जाते थे, परिवार को बर्बाद कर रहे थे और अपने स्वास्थ्य को चौपट कर रहे थे, तो उससे तो परिवर्तन आया। आज चंद लोग तो हम बार बार कहें, कुछ दिमागी सोच ऐसा है, इधर प्रयास करना चाहिए। और हम तो दीदियों को यही कहते हैं कि निरंतर उसके लिए अभियान चलानी चाहिए। और आप बताइए, सतत जीवको पार्जन योजना के बारे में बता दिया गया, कुछ लोग तो बोलते रहते हैं कि गरीब लोग, अरे भाई अगर गरीब लोग कोई शराब, कितना बड़ा परिवर्तन है असतत जीविको पार्जन योजना, वैसे लोगों के लिए जो समाज में बिल्कुल हाथ दिए पड़ते, और वैसे लोगों के लिए जिस परिवार का संबंध जुड़ा हुआ था शराब के संदेश योजना के अंतर्गत।